अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ट्राइंगल। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसने कहा कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगनल। ठीक है, जैसे कि मान लो ए बी सी डी एक रोम्बस है एंड देयर डायगनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि ए सी एंड बी डी डायगनल्स हैं और रोम्बस के डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ओ ए क्या है आपका, हमें यह भी पता है कि डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर मीन्स ए ओ क्या है हाफ ऑफ ए सी और ओ बी क्या है हाफ ऑफ बी डी। ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। फोर एलसीएम ले लेते हैं, फोर टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब फोर टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो एक बार हम ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं बी सी से, ए बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी डी एंड ए बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय डी ए। मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वो क्या है, कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू फोर टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ये रिजल्ट बेटा आपको डायरेक्ट ध्यान रहने चाहिए, ठीक है, टिप्स पे होने चाहिए कि थ्री टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, फोर टाइम वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। जैसे मैंने यहाँ एक ट्राइंगल कंसिडर किया ए बी सी और एक एल्टीट्यूड कंसिडर किया है ए डी। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल रहेगी, हमने कहा कि ए इज द साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। और यू कैन इजिली प्रूव कि जो ट्राइंगल ए डी बी दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, एक एंगल 60 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी क्या है कॉमन है और ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो आर एच एस से हम क्या कह सकते हैं, ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी। और ये कॉन्ग्रेंट है, यू नो कॉन्ग्रेंट से हम क्या कह सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू डी सी और पूरा बी सी ए है तो बी डी और डी सी क्या हो जाएगा ए बाय टू। ठीक है, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, ए बी स्क्वायर किसके को लेगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी कितना है ए स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी को आप क्या कह सकते हो ए बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। फोर एलसीएम, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर और ए क्या था साइड लेंथ था तो ए कैन बी रिप्लेस बाय ए बी, तो थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ए डी स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर थ्राइस ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू फोर टाइम्स वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। नेक्स्ट हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पिक किया है, ये क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज डू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज डू वेस्ट एट स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन बनाया नॉर्थ ईस्ट और ये आपका रहेगा वेस्ट और ये रहेगा आपका साउथ। तो यहाँ से मान लो ये एयरपोर्ट है, यहाँ से एक एरोप्लेन तो जाता है नॉर्थ की तरफ और एक चलता है ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ। ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड क्या है 1000 किलोमीटर पर आवर और जो वेस्ट की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड क्या है 1200 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं 1.5 आवर के बाद में उनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा,
हमने कहा कि ये जो है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है वन एंड हाफ आवर के बाद में बी पॉइंट के ऊपर है, और जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो वन एंड हाफ आवर के बाद में ए पॉइंट के ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ टाइम वो क्या है, वन एंड हाफ आवर्स, और यहाँ क्या है, वन एंड हाफ आवर। इसकी स्पीड क्या है, 1000, और इसकी स्पीड क्या है, 1200। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ओ ए आ जाएगा आपका 1500 किलोमीटर, और यहाँ स्पीड इनटू टाइम मीन्स 1200 इनटू 3/2 करेंगे, दैट विल बी यूअर 1800 किलोमीटर। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए कितना है 1500 स्क्वायर, ओ बी कितना है 1800 है, उसका स्क्वायर रहेगा, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में ए बी जो डिस्टेंस है दैट विल बी 300 इंटू रूट 61 किलोमीटर। तो ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एयरप्लेन, तो दो एयरप्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 300 इंटू रूट 61 किलोमीटर। नेक्स्ट हमने एनसीईआरटी से एक रिजल्ट पिक किया है, ये क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि अगर आप किसी रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट चूज करते हैं, जैसे हमने यहां एक पॉइंट ओ चूज किया है, तो इस पॉइंट से जो जैसे डायगोनल बनते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस का स्क्वायर, जो अदर जो रहेंगे डिस्टेंस उनका स्क्वायर के सम के इक्वल रहेगा। जैसे मान लो यहां पॉइंट ओ चूज किया रेक्टेंगल के अंदर, हमने कहीं भी चूज करोगे आप एक पॉइंट, तो उसे तो जो वर्टिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं जो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक रिजल्ट है, क्या कह रहा है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने पॉइंट पी चूज किया है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हम पॉइंट ओ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो ए डी को पी पॉइंट पे कट करेगी और सी बी को क्यू पे कट करेगी, एंड दैट इज पैरेलल टू बोथ ए बी एंड डी सी। अगर ये पैरेलल है ए बी और पी क्यू, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और आपको पता है ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी क्यू पी इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल एंड सी डी पी क्यू इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ये दोनों रेक्टेंगल रहेंगी तो ए पी विल बी इक्वल टू बी क्यू एंड सी क्यू विल बी इक्वल टू डी पी। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये ट्राइंगल चूज करते हैं ओ क्यू बी में, एंगल क्यू 90 डिग्री, तो आपका ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। और अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ओ पी डी, ओ पी डी में ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तो ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड किया तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस डी पी या पी डी स्क्वायर, इसको स्टार नाम दे देते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने चूज किया ट्राइंगल ओ पी ए, ओ पी ए में ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमने ट्राइंगल चूज किया ओ क्यू सी, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, तो ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। अब देखो आपका ए पी और पी क्यू तो क्या है, इक्वल है, तो ए पी को हमने रिप्लेस कर दिया बी क्यू से, एंड सी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, सॉरी सी क्यू किसके इक्वल है हमारा, सी क्यू इज इक्वल टू डी पी, सी क्यू किसको इक्वल है डी पी के, तो सी क्यू को रिप्लेस कर दिया डी पी से। अब स्टार और डबल स्टार को जब ऑब्जर्व किया तो इनसे हमने क्या देखा कि इन दोनों की राइट हैंड साइड तो क्या है, इक्वल है, ओपी स्क्वायर ओपी स्क्वायर ओक्यू स्क्वायर ओक्यू स्क्वायर, यहाँ बी क्यू है, यहाँ भी बी क्यू, यहाँ डी पी है, यहाँ डी पी है, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगी,
इक्वल मीन्स ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, जो रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया है उस रिजल्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रही है, इफ ओ इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट ओ बी इज योर 6 सेंटीमीटर, ओ डी इज 8 सेंटीमीटर, ओ ए इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड ओ सी। हमने कहा कि ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी, सॉरी ये रेक्टेंगल है एक ए बी सी डी, ओ क्या है इसके अंदर एक पॉइंट है, तो जो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर। ओ ए आपको गिवन है 5 स्क्वायर, ओ सी आपको निकालना है, ओ बी इज यूर 6 स्क्वायर, ओ डी इज यूर 8 तो 8 स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 100, 25 प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो ओ सी स्क्वायर आएगा 100 माइनस 25, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 75, तो ओ सी रहेगा आपका रूट 75 दैट इज इक्वल टू 5√3, तो ओ सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक होमवर्क है, इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, यू कैन डू इजिली। तो ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था एनसीईआरटी का और इसके ऊपर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। थैंक यू।